हाय फ्रेंड्स मैं हूं मानव वेलकम टू मूवी शुवी एक्सप्रेस आज बहुत सारी मूवीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उनकी कलेक्शंस बॉक्स ऑफिस पे क्या रही के जी की करेंगे सरकार उबारी बत्ता का करेंगे जयेश भाई का करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज टू का करेंगे धाकड़ का करेंगे भूलभुलैया का करेंगे और मेरे ख्याल से कुछ मूवीज़ के बारे में हम लास्ट बार ही बात कर रहे हैं क्योंकि उनका जो बॉक्स ऑफिस परिणाम है वो ऑलमोस्ट आ चुका है तो उनका एंड ऑफ लाइफ क्या बिजनेस रहा वो बात करेंगे जैसे जयेश भाई जोरदार डॉक्टर स्ट्रेंज और साथ ही साथ में के जी एफ़ सो के जी एफ़ के बारे में पहले बात कर लेते हैं क्योंकि उसके बारे में काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है लोगों को तो डे थर्टी एट के दिन वो करीबन एक डेढ़ करोड़ रुपए वर्ल्ड बेसिकली नेशनली ऐड करेगी आठ सौ पचास करोड़ रुपए उसके नेट हो गए हैं ग्रॉस। नौ सौ नब्बे हैं ऐसे ही चलता रहा तो मेरे ख्याल से रिलीज़ जब उसकी होगी हिंदी रिलीज़ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर जब सबके लिए ओपन हो जाएगी वैसे तो रेंट पे अवेलेबल है तो ये एक हज़ार करोड़ कर सकती है इसीलिए मेरे ख्याल से मेकर्स जो हैं इसका हिंदी वर्जन ऑफिशियली अभी लॉन्च नहीं कर रहे हैं सिर्फ रेंट पे अर्ली एक्सेस दिया है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बारह करोड़ हिंदी का जो टोटल हुआ है वो है फोर करोड़ और अब हम बात करते हैं सरकारों वाली पता कि उसका डेट टेन चल रहा है आज सैटरडे वाले दिन तो उसकी कलेक्शन जो है वो करीबन ढाई करोड़ के आसपास आ रही है टोटल हो गया है वन थर्टी करोज नेट और ग्रॉस लेवल पे वन फोर्टी नाइन करोज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो है वन सेवेंटी एट करोर्स और इसके बाद जयेश भाई जोरदार के बारे में भी बात कर लेते हैं जो डे नाइन पे ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है और करीबन सिर्फ पचहत्तर लाख रुपए का एडिशन हुआ है तो इसका जो टोटल कलेक्शन रहा है वो ट्वेंटी थ्री करोर्स है और ये इसका समाप्ति वाला टाइम आ चुका है और इवन डॉक्टर स्ट्रेंज टू का भी समाप्ति वाला टाइम आ चुका है डे सिक्सटीन में उसका सिर्फ सवा करोड़ रुपये ऐड हुआ है और उसका नेट कलेक्शन जो है वन ट्वेंटी फाइव करोर्स अब बात करते हैं कि जो दो बड़ी रिलीज हुई हिंदी सिनेमा में हिंदी वर्जन के अंदर वो थी धाकड़ धाकड़ को आउट लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया Uh, उसको ओपनिंग भी नहीं मिली जो कि एक स्ट्रेंज फैक्ट है अदरवाइज अगर आप बज मीटर देखते सोशल uh, मीडिया के ऊपर तो लोगों को लग रहा था कि शायद कंगना को बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करने वाले वो सपोर्ट सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह गया और थिएटर्स uh, में uh, बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हुआ किसी भी एंगल से तो ये जो नंबर है जो आया 1.2 करोड़ का डे वन का उसमें सिर्फ एक करोड़ रुपए का इजाफा होगा 2.2 पॉइंट टू करोड़ ग्रॉस नंबर जो है इसका 2.5 पॉइंट फाइव करोड है विच मीन्स के इट विल बी अ वेरी बिग डिजास्टर नॉट ओनली अ स्मॉल डिजास्टर बिग डिजास्टर क्योंकि इस मूवी को काफी महंगा बेचा गया था सौ करोड़ रुपए के आसपास ये मूवी बिकी है तो कहीं ना कहीं कंगना रेनोट को अपनी जो चॉइसेस हैं और अपना जिस तरीके से वो मूवीज को लेके चॉइसेस ले रही है उसको ज़रा थोड़ा सा दोबारा से रिविजिट करना होगा अब बात करते हैं भूल भुलैया टू की जहां पर कार्तिक आर्यन की बल्ले बल्ले हो चुकी है और मैं ये बोलूंगा कि लोगों ने इस यंग लड़के को जो खुद ही स्टैंड होने की कोशिश कर रहा है काफी प्यार दिया है नेट कलेक्शन ने फोर्टीन पॉइंट प्लस आज सेवेंटीन करोर्स का बड़ा जंप लगता हुआ लग रहा है थर्टी वन पॉइंट थ्री करोर्स पे आज ये एंड होगी विद अ ग्रॉस कलेक्शन ऑफ थर्टी फाइव क्रोर्स तो ये काफी बड़ा नंबर है हैप्पी न्यूज़ फॉर हिंदी सिनेमा और ये बहुत ही जल्द आ, सौ करोड़ पार कर लेगी मजेदार तरीके से और वीकेंड बिजनेस जो है इसका दोस्तों पचास करोड़ से ऊपर होगा जहां बड़ी बड़ी फिल्में अजय देवगन टाइप की फिल्में या फिर आप ये कह सकते हैं इवन अभी अक्षय कुमार की ऑफ रे इटली रिसेंट री, पिक्चर आई हैं चाहे रनवे अजय देवगन की आई हो चाहे बच्चन पांडे अजय देवगन की सॉरी अक्षय कुमार की आई हो वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाई 65 फाइव करोर्स किया था बच्चन पांडे ने टोटल मिला के और रनवे तो मुश्किल से 30 करोड़ रुपए के आसपास समाप्त हो गई और ये मूवी वीकेंड वीकेंड पर फिफ्टी करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लेगी विच इज़ गुड न्यूज़ तो हिंदी सिनेमा में ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इज़ ओवर तो ऐसा बॉलीवुड ओवर नहीं है हिंदी सिनेमा ओवर नहीं है इट हैज़ टू बी द फैक्ट दैट पीपल हैव टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ऑडियंस नीड टू व्हाट इज़ द कांड ऑफ कॉन्टेंट दे वॉन्ट टू कंज्यूम ऑन बिगर स्क्रीन विद दियर फैमिलीज तो उस तरीके का कॉन्टेंट लाओगे तो वो चलेगा ये इसका टेस्टमनी है तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कल से हम थोड़ा सेलेक्टिव मूवीज़ uh, के बारे में डिस्कशन करेंगे जो uh, थिएटर्स पर चल रही हैं जो उतर गई हैं उनके बारे में आज डिस्कशन समाप्त करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर लेना शेयर कर लेना साथ ही साथ में uh, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कोई रोज़ ही अपडेट आएगा और जो मेरे रिव्यू चैनल है उसका नाम है मूवी शोवी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा तो जल्दी मिलते हैं एक और अपडेट के साथ डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब बोथ दो चैनल्स मूवी शोवी एंड मूवी शोवी एक्सप्रेस बाय बाय